हमने आज आपको सुबह ही संतोष मांझी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखलाया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। अब उन बातों पर मुहर लगती हुई भी नज़र आ रही है। जैसा कि आपको ये ज्ञात होगा कि उसी खबर के दौरान उन्होंने कहा था कि 19 तारीख को उनके कोर कमेटी की मीटिंग है और उस मीटिंग में जो फैसले हैं वो ले लिए जाएंगे। इसके साथ ही अब ये बात स्पष्ट हो गई है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन ने मीडिया को ये बताया कि उनकी पार्टी पूरी तरह से संवैधानिक पार्टी है और आंतरिक लोकतंत्र उनकी पार्टी में है। इसलिए 19 तारीख को फैसला किया जाएगा कि आखिर आगे की रणनीति क्या होगी और उसके लिए जो कोर कमेटी का फैसला होगा उस फैसले पर अमल किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सभी बातों को स्पष्ट किया और कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक है और हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति को बराबर सम्मान दिया जाता है। उन्हें किसी खास वर्ग की पार्टी कहना कहीं से उचित नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि छोटी दुकान कहने वाले भी अपने आप को समझ लें कि वो आखिर क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसके साथ साथ श्याम सुंदर सरन ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहीं ना कहीं संतोष सुमन, जो कि आज हमारे साथ इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कर रहे थे, उन सारी बातों को लेकर के उन्होंने एक खुलासा भी किया कि जल्दी ही 19 तारीख को दिल्ली की यात्रा हो सकती है। दिल्ली की यात्रा में बहुत कुछ फाइनल होना है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी को दिल्ली से बुलावा आ गया है और अमित शाह के बिहार आने से पहले लगभग सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस गेम में क्या ट्विस्ट होने वाला है, आप खुद सुनिए मीडिया से बातचीत करते हुए श्याम सुंदर सरन ने क्या कहा। आप लोग बड़े मीडिया घराने से हैं और आपकी जिम्मेवारी है। हमारे नेता जीतन राम मांझी शुरुआती दिनों से, जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी थे, तब भी सत्ता की परवाह नहीं करते थे और वो मुद्दों के साथ, राजनीतिक मुद्दों के साथ, गरीबों के मुद्दों के साथ, दलितों के मुद्दों के साथ और राज्य हित में उन्होंने उस पद को भी ठोकर मारा था। और जब जहां रहे तब उन्होंने राजनीतिक उसूल से उन्होंने अपना कभी भी दामन नहीं छोड़ा और उसकी बात की। बाकी रहा सवाल कि हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, तो आप लोगों को स्पष्ट बताया गया है कि आगामी 19 जून को हमारी पार्टी में जमहूरियत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम एक मालिक की पार्टी नहीं है, हम जनता दल यूनाइटेड नहीं, एक मालिक जराजत नहीं, एक मालिक हम लोग कोर कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय करते हैं। 19 जून को बैठक होने वाली है, हम उसमें तय करेंगे और निश्चित रूप से हम कहाँ जाएंगे ये बता दें। हम जनता के बीच में जाएंगे, उनके मुद्दों के बीच में जाएंगे और पूरे बिहार का भ्रमण हमारे नेता जैसे शुरू किए हैं गरीब संपर्क यात्रा, उसको हम पूरा करेंगे और उसके बाद जो जनता से आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। अशोक चौधरी ने कहा कि बात करते थे भाजपा में, अब नाम उन्होंने अशोक चौधरी जी का ले लिया और कई लोगों को हम देख रहे हैं उनके नवरत्नों को कि आज उनके अगल बगल कहीं दिख नहीं रहे, कहीं और खिचड़ी पक रही होगी, तो उन पर नजर रखें। और हरिवंश बाबू का सवाल मैंने इसीलिए उठाया कि नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि ऐसा क्या है कि हरिवंश बाबू पर उनको कार्रवाई करने में दिक्कत हो रही है और क्या है जो वो मतलब टेलीफोन पर तो बात करते हैं अमित शाह जी से। और कई एक बात आप लोग भी उठाइए कि कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज भी वो अपना प्रिय मानते हैं, उनके यहाँ आते जाते, खाते पीते, सारे रिश्ते रखते हैं, तो उनको ये तो बताना चाहिए ना। जीतन राम मांझी कभी किसी के एजेंट रहे, हाँ एजेंट रहे हैं तो जनता के एजेंट रहे, बिहार की आवाज रहे, बिहार के एजेंट रहे। और कांग्रेस का पूरी तरह से नेतृत्व कर रहे थे, टिकट बांटना, किसको लड़ाना, क्या करना, सब कुछ। नतीजा सबके सामने आ गया और उनकी राजनीतिक हैसियत का भी सच सामने आ गया। 2020 के चुनाव में, वो विधानसभा चुनाव में, अपने लोकसभा चुनाव के अंदर जनता दल यूनाइटेड को एक भी सीट नहीं जितवा पाए और कितने लोगों की भ्रूण हत्या वो करते हैं उसका उदाहरण है कि आज उन्हीं की पार्टी में निर्दलीय मंत्री बने हुए हैं आदरणीय सुमित प्रताप सिंह जी, कैसे उनका टिकट कटवा करके उनको राजनीतिक रसातल में भेजने का काम करने का काम प्रयास किया, लेकिन वो फिर निखर कर आए और फिर उसी पार्टी में राजनीतिक चरित्र की बात आपको बता रहे हैं। दूसरी ओर, बस 2 मिनट में खत्म, बहुत गंभीर बात है। दूसरी ओर एक गंभीर स्थिति है जो हम सबको भी महसूस हो रहा है, आप सबको भी महसूस हो रहा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही बुरी तरह से घिर गए हैं, ये समझने की विषय की बात है। होम्योपैथिक के डॉक्टर साहब ने लालू प्रसाद जी और उनके कुनबे से तेजस्वी प्रसाद जी के साथ मिलकर सुपारी ले रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जॉर्ज फर्नांडिस बनाया जाए, वो उनको नया जॉर्ज फर्नांडिस बनाना चाहते हैं।
जो कि आए दिन हम लोग मुख्यमंत्री जी के बयानों में और भाषणों के दौरान उनकी टिप्पणियों में महसूस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की पूरी तरह से हमारी पार्टी भी मांग करती है और मैं भी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि उनके स्वास्थ्य की पूरी तरह से पड़ताल होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा, हम लोगों को अनुभव है कि होम्योपैथिक डॉक्टर साहब उनको गलत दवा का कुछ ना कुछ डोज दे रहे हैं जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और गहरी साजिश है। और ये हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े राजाओं नेताओं के बीच के जो सबसे करीब लोग रहते हैं वो कैसे सत्ता को और उनकी राजनीतिक विरासत को हड़पने के लिए ऐसी साजिशों को अंजाम देते रहे हैं और उनको एक तरह से कहिए कि मौत की तरफ धकेल करके उनका पूरा विरासत अपने हाथ में लेते रहे। तो छोटी दुकानदारों और छोटे दुकान से नफरत करने वाले माननीय राष्ट्रीय रजनीगंधा अध्यक्ष जी के चरित्र का मैंने वर्णन किया है, बाकी विस्तार से आप लोग इस पर मनन करेंगे। और अंत में महागठबंधन के साथियों को भी आगाह कर देना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, होशियार हो जाएं और जनता दल से पूछे, जनता दल यूनाइटेड से पूछे कि मांझी जी पर जो आरोप लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनते, इनको ज्योतिष विज्ञान से कहीं कुछ प्राप्त हुआ था आकाशवाणी से, तो उनको यह बताना चाहिए कि हरिवंश बाबू के द्वारा कौन सा वो एजेंट अपना वहां फिट रखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में। और अमित शाह जी से हमारे नेता के मिलने पर आपत्ति करते हैं और खुद टेलीफोन से बात करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति तक में दोनों की सहमति होती है, तो उनको बताना चाहिए कि आखिर वो कौन सा एजेंट फिट करके और अपने लोगों को सेट करके वो राजनीति का एक दर्शन स्थापित कर रहे हैं। तो महागठबंधन के लोग उनसे सतर्क हो जाए, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में उनको भुगतना पड़ेगा। और अगर हरिवंश बाबू को उन्होंने इस्तीफा के लिए मनाया होगा, कहा होगा, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उनको उन्होंने क्यों नहीं पार्टी से बाहर किया, आज तक उनका सदस्यता क्यों नहीं समाप्त करने की कोशिश की, जैसे मरहूम नेता समाजवाद के बड़े नेता रहे मंडल मसीहा जिनको कहते हैं, जिनके पीछे पीछे चल के इन्होंने राजनीति की, शरद यादव जी को कैसे सड़क पर ला दिया इन्होंने, ये भी तो एक इतिहास है। तो हरिवंश बाबू को आखिर किन कारणों से इस्तीफा नहीं लिया जाना, उनको पार्टी से बाहर नहीं किया जाना और भारतीय जनता पार्टी में अपना एक आदमी को फिट रखना, ये उनके राजनीतिक चरित्र के दोहरेपन को दर्शाता है। जबकि देश में उदाहरण है, सीपीएम के बड़े नेता रहे, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे सोमनाथ चटर्जी साहब, उनको सीपीएम ने पार्टी से बाहर किया था, एक राजनीतिक जो चरित्र होता है उसका उदाहरण है। तो जनता दल यूनाइटेड खुद दोहरे चरित्र में जीती है और दूसरे पर आरोप लगाती है, यही मेरा आज उनका उनको जवाब है। इस तमाम सवालों का जवाब हम उनसे चाहेंगे। अब आप अपना सवाल पूछिए। भाजपा का पीएम कब? अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।